नमस्कार। तो ये बड़ा स्पेसिफिक वीडियो मैं बना रहा हूँ तीन कॉलेजों के लिए, क्योंकि ना बहुत क्वेरी आती है और फिर से मैं रिपीट करूँगा। और उससे पहले विवेक गुप्ता, सिर्फ MBBS नहीं बल्कि करियर काउंसलर, करियर मेंटर, और मेरी कंपनी है GK वर्क्स। तो तीन कॉलेज का मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन करा है, क्लियर करा है कि हिंदुस्तान में मोस्ट ऑफ दी MBBS कॉलेजेस में कोई किसी कंसल्टेंट एजेंट को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। MBBS शायद एकमात्र कोर्स इंडिया में ऐसा है जिसकी सारी सीटें भर जाती हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। हाँ, और 90% और मैंने खुल के आपको बताया है कि वो पौंडीचेरी, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज़ या राजस्थान की वो सीट्स जो 25-26 लाख, मतलब जहाँ पर वो जो 30-35 लाख रुपये साल की फ़ीस आपसे ऑन पेपर मांगी जा रही है, शुड ऐसे MRP, वहाँ पर ना नेगोशिएशन होती है। और शायद एक कंसल्टेंट का या एजेंट का यही काम होता है वो नेगोशिएशन में आपकी हेल्प करना, कि कभी कभार आप लोग शर्माते हैं, डरते हैं, और हम वही कर, और कुछ यूनिवर्सिटी शायद पेरेंट्स को डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करती, तो एजेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो बता देगा जी हाँ भाई तमिलनाडु में अगर भारत में जाना है या सविता में जाना है, ACS में जाना है, या पौंडीचेरी में विनायक मिशन में जाना है, या राजस्थान में अगर पैसिफिक में लेनी है सीट, या SS Tantiya में लेना है, वो भी मैंने बाबा कह रहा हूँ महंगी वाली जो 25-26-27 लाख साल की फ़ीस होती है, या महाराष्ट्र में जो IQ कोटा है होता है जिसकी फ़ीस है 35-35 लाख रुपए साल है, या कर्नाटका में जो क्यू कोटा है जिसकी फ़ीस अब 40 लाख रुपए साल हो गई है, और कोई नहीं देता पूरे 40 लाख रुपए के, तो बस वो पक्का वो नेगोशिएट किया जाता है, और वो कोई 1.4 का, कोई 1.5 का पैकेज बना दिया जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक बेटर डील मिल जाती है थ्रू एन एजेंट। लेकिन मैं जिस कॉलेज का स्पेशली नाम ले रहा हूँ या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेरी नज़रों में Tier 3 के कॉलेजेस हों, बट हरियाणा के सारे कॉलेज या UP के सारे कॉलेज, इंक्लूडिंग वो जो बॉटम 2-3 कॉलेज जिनकी मैं खास ही तारीफ़ें करता हूँ, सबकी सीट अपने आप भर जाती है। किसी भी कॉलेज को, किसी भी एजेंट को कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। और आपने राउंड वन में देख लिया होगा ना, यूपी में 100% अलॉटमेंट हुई है और 210-15-20 नंबर वाले लोग खाली रह गए हैं, तो उस कॉलेजों को क्या ज़रूरत है किसी को कुछ देने की। और सिमिलरली बहुत सारे कॉलेज ऊपर से भी कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि सब एडमिशन ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन हो रहे हैं। खैर, बैकग्राउंड बहुत लंबा हो गया, बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया कि स्पेशली जब मैं आपको नॉर्थ इंडिया के टॉप 10, ओपन स्टेट के टॉप 6 का बताता हूँ, तो एक नाम बार बार लेता हूँ, फिर मुझे एक्चुअली फ़ोन आते हैं, स्पेशली आप लोग 2500 रुपये खामखा खर्च करते हैं, कईयों के मैंने वापस भी करे हैं, और शायद ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ कि सर आप तो बहुत तारीफ़ करते हो, बट हमने ना YouTube पे पुराना वीडियो देखा है श्री गुरु राम राय का, कि वहाँ पर तो बड़ा अचानक से वो फीसें मांग रहे थे बच्चों से और बच्चे बड़े परेशान हैं। तो भाई फिर मैं अपने उन लोगों को, मैंने कहा चलो सबके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्थ की बात करूँ, तीन कॉलेज का मैं नाम लूँगा, आदेश भटिंडा पंजाब, श्री गुरु राम राय, और तीसरा जो इस साल आप सभी नोट कर रहे हैं, सुभारती। देखिए होता क्या है कि मैं MBBS की फ़ीस सरकार तय करती हैं, कभी कॉलेज तय करते हैं, अब यूपी स्टेट ऐसा है, पंजाब स्टेट भी, और पहले उत्तराखंड, पंजाब के हर प्राइवेट कॉलेज में आपको पता होगा दो तरह की सीटें होती हैं, एक जो सिर्फ 4 लाख रुपए फीस पे दी जाती है जिसे हम गवर्नमेंट कोटा कहते हैं, और एक 10 लाख रुपए फीस, और फिर हर साल 10% इंक्रीमेंट भी है। अब आदेश चूँकि एक प्योर प्राइवेट कॉलेज है, उसने बहुत सालों से केस कर रखा था कि भाई मुझे 4 लाख में कोई सीट नहीं देनी और मैं सभी की फ़ीस 10 लाख रुपये लेना चाहता हूँ, और एक केस उसने 5 साल से कर रखा था। और वो इसलिए हर बार एटलीस्ट अपनी काउंसलिंग में बोलता था, अपने ब्रोशर में, अपनी वेबसाइट पे बहुत प्रोमिनेंटली, कि जो भी 2020 की हम बात करें, उसने बोला कि भाई मैंने केस का रखा है, और अगर केस जीत गया तो आपको एक पेपर पे साइन मैं करवा रहा हूँ कि चाहे आप 20 बैच के हो चाहे 21 बैच के हो, आपको पुरानी सारी फ़ीस मेरी 10 लाख के हिसाब से देनी पड़ेगी। और बहुत प्रोमिनेंटली बताया जाता था, आप मान विश्वास कीजिए। अब शायद हम आँख बंद करके या वेबसाइट देख के हमने कहा नहीं नहीं 4 लाख ही होगी, अब इस साल वो आदेशी फ़ीस ऑफिशियली अप्रूव्ड हो गई है 11 लाख, वो पंजाब की आपको काउंसलिंग वेबसाइट पे स्पेशली उसका अलग से नोटिस डाला हुआ है। ऐसे सुभारती का आप सभी देख रहे हो, वो कितना तगड़ा झगड़ा चल रहा है, मतलब काउंसलिंग से 6 दिन पहले ये था कि उसकी माइनॉरिटी स्टेटस हो गया है, DGME या यूपी गवर्नमेंट ने उसको पूरा नॉर्मल कर दिया, वो फीस बोल रहा था मैं 1 करोड़ रुपये लूँगा पूरा पैकेज, इन्होंने 70 के नीचे कर दिया उसको। और अभी भी आप सुभारती में जब एडमिशन लेने जा रहे हो तो वो आपको वो लेटर एग्रीमेंट दिखा रहा है और कह रहा है कि भाई एडमिशन लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, मेरी सीट खाली रह जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देख कर एडमिशन लीजिए कि शायद आपको
अगर मैं सारे केस जीत गया तो इसी आपको कहते हैं प्रोएक्टिवली या जैसे बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली आपको सारी फीस देनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से 5 साल पहले श्री गुरु रामराय की फीस को लेकर बहुत इशू था, तो सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने फीस पे काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था, उसने केस किया हुआ था और उस वजह से वो बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि जब केस का फैसला हो जाएगा आपको पुरानी सारी फीस बकाया पे करनी पड़ेगी। और जब अचानक पे करनी पड़ी, जब वो केस का फैसला हो गया, तभी वो वीडियोज़ बने, तभी बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, मतलब मेरा रिकॉर्ड ले लीजिए, मेरी वर्ड को ले लीजिए, कोई बात हो जाए आप यू नो मेरे पे कहते हैं FIR कर देना। दो 2023 में एडमिशन ले रहे हैं या जो 2022 में लिया है, उनमें से किसी को एक रुपये भी एक्स्ट्रा देना पड़ जाए ना, आप मेरे पास आ जाना और मुझसे मांगना पैसे। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब मैं रिपीट, मैंने बैकग्राउंड आपको दिया था कि कॉलेज से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपके भले के लिए, तो आप चिंता मत कीजिए। समझिए चीज़ों को पहले क्यों होती है, क्योंकि हम हमेशा एक तरफा देखते हैं। जो बच्चा परेशान हो रहा है, मुझे ये भी फ़ोन आया, सर हमने ना कॉन्टैक्ट करके दो बच्चों के कॉन्टैक्ट निकाल लिए और वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं किया था। मैंने कहा पेपर पर साइन सुभारती तो अलग से साइन करा रहा है। मैंने कहा जब आप एडमिशन लेने जाते हो, कॉलेज वाले आपसे 50 पेजों पर साइन कराते हैं, बच्चों को याद भी नहीं होगा कि मैंने किस पेज पर साइन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद याद भी होगा, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कौन 30-35 लाख रुपए फालतू देना चाहता है। मैं बिल्कुल एक हट के बात बता रहा हूँ, मतलब कि ना फिलीपींस जब हुआ करता था MBBS अब्रॉड के लिए, तो बड़ा पुराना वीडियो था भाई, और सरकारों को भी तो आधी बातें पता है ना। तो हुआ क्या जी, बहुत सारे बच्चों की MD रोक दी गई है फिलीपींस में। क्यों? वो कहते हैं जी बच्चों को आ रहा है इंटरव्यू, जब हम यहाँ पर आए हमें बताया ही नहीं क्या किसी ने कि NMED नाम का पेपर देना है। देखिए फिलीपींस का एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पर आप पहले प्री-मेड करते हैं जैसे BS बोलते हैं, और फिर आप MBBS करते हैं, और बीच में उनका पेपर होता है जैसे NMED कहते हैं। उस NMED में 40% लाना होता है। तो सारे बच्चे जिनकी MD स्टार्ट नहीं हुई थी वो ब्लेम सिस्टम को कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स या एजेंट को कर रहे हैं। सच्चाई ये था वो सबके सब NMED में फेल हो गए थे। अब हम जब फिलीपींस भेजा करते थे 18 नवंबर 2021 से पहले, मैं 10 बार बोलता था NMED, जब हम काउंसलिंग या मैं और मेरी टीम वी यूज़ टू टेल अबाउट NMED। अब कुछ बच्चों को कुछ एजेंट्स ने NMED के बारे में नहीं बताया और वहाँ पर जाके वो NMED में फेल हो गए। दैट डजेंट मीन ना कि फिलीपींस ख़राब था, लेकिन वो जो 50 बच्चे वीडियो में आए उन्होंने तो ऐसा हल्ला काटा पूछो मत, फिलीपींस ये है फिलीपींस वो है, बड़ा मुश्किल पेपर है जी। और पूरे वीडियो में थीम ये थी कि भाई हमें धोखा दिया गया, हमें BS करके रोक दिया गया है, पता हमारे को आगे MD की सीट ही नहीं मिल रही है। सच्चाई है वो सारे NMED में फेल हो गए थे। जब बहुत रिसेंटली भी एक आपने न्यूज़ सुनी होगी पक्का कि कनाडा में काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है पंजाब साइड से फेक पेपर्स के लिए। अरे भाई वो फेक पेपर आपको लगता है कि असली में फेक हो सकते हैं? उसमें से 90% केसेस में बच्चों को सब पता होता है, बच्चों की मिलीभगत होती है, पेरेंट्स की मिलीभगत होती है, क्योंकि हम कम पैसे खर्च करना चाहते हैं। हम पूरी फीस ना दे के पैकेजेस में 6 लाख में कनाडा पहुँचे, 5 लाख में कनाडा पहुँचे, ऐसा चलता है पंजाब में बहुत। और हमारे ऑफिसर्स में कोई आता है तो हम तो सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पूरी फीस दे के भेजते हैं, तो हम जब भेजते हैं तो बच्चे का मिनिमम खर्चा 20 लाख रुपए होता है। तो ये जो 10 लाख के पैकेज में कनाडा भेज रहे हैं, ये कैसे भेज रहे हैं भाई? अरे मिनिमम कॉलेज की फ़ीस ही वहाँ पर ढंग के कॉलेज की 9 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, जो DLI अप्रूव्ड होता है, उसके बाद GIC खोलोगे, वीज़ा टिकट 20 लाख का खर्चा होना होना है। सो 10 लाख में जो आपको कनाडा पहुँचा रहा है और आप हाँ हाँ में मान रहे हो, आपको पता नहीं कि कुछ नकली कागज़ होगा। तो सिमिलरली सुभारती बार बार कह रहा है भैया मैंने वेबसाइट पे आज भी सुभारती डाल रखा है, हटाया नहीं है। अध्यक्ष बठिंडा का कोर्ट ऑर्डर अब पंजाब की वेबसाइट पे है BUFSH की, और ऐसे श्री गुरु रामराय करता था। तो मैं आपको इतना लंबी कहानी से सुना रहा हूँ कि इन तीनों कॉलेजों में अब कोई दिक्कत नहीं है। जो आज की फीस आप देख रहे हो उसके बाद कोई हिडन चार्ज कोई फालतू नहीं लिया जाएगा। सुभारती फिलहाल कम ले रहा है, लेकिन अगले साल वो पूरे ले सकता है, इस साल के भी ले सकता है, मैं तो कह रहा हूँ। आदेश वाला पिछले 2-3 साल के बच्चों से वसूली करेगा, श्योरली करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसने बता के साइन करा के, तो ये साइन अगेन इज़ नॉट द राइट वर्ल्ड, बता के कराया, खुल के बताया, ऐसे श्री गुरु रामराय बताता था। तो सिर्फ आपको पूरे नॉर्थ में ये 3 कॉलेज ही मिलेंगे जिनका आप ये सुनोगे, वरना राजस्थान में तो पहली फीसें इतनी बढ़ी हुई हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो कोर्ट केस की बात है, जितनी मेरी नॉलेज है पंजाब के किसी और कॉलेज ने नहीं कर रखा, हिमाचल में नहीं कर रखा, हरियाणा में नहीं कर रखा, UP में नहीं कर रखा, उत्तराखंड में नहीं, तो बस ये गिन के एग्जैक्ट 3 कॉलेज थे। ओके, तो जब भी आप ऐसे रिसर्च कीजिए ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और फिर मैं सलाह दूंगा,
हर इंसान ना सच नहीं बोलता है, और मेरे पास ही फ़ोन आते हैं, सर आप ही एकमात्र कंसल्टेंट हो जो कॉलेजों की बुराइयां करते हो, वरना बाकी सारे एजेंट तो हर ही कॉलेज को अमृता और कस्तूरबा बोलते हैं। क्योंकि देखिए वही बात है कि फ्यूचर में उस कॉलेज से क्या काम पड़ जाए कंसल्टेंट को, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बच्चों के लिए हूँ, कॉलेजेस के लिए नहीं। तो जो सच्चाई है वो आपको बताऊँगा, और जहाँ नेगोशिएशन होनी होती है इसलिए मुझे किसी दूसरे से करानी पड़ती है, कि वो सारे कॉलेज तो मुझसे तो चिढ़ते ही हैं, तो मेरे तो डेड फोन भी नहीं उठाते। तो खैर मेरे दोस्त हैं जो मेरा काम करा देते हैं, और मेरे बच्चों का वही पौंडेचेरी या तमिलनाडु राजस्थान में नेगोशिएशन करा देते हैं। पता मुझे सब है, मैं सब कॉलेज वालों को जानता हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, वो तो मुझसे चिढ़ते हैं कि मैं उनके बारे में बुराइयाँ करता हूँ। वही लोग तो नेगोशिएटेड सीट देंगे ना जो अच्छे नहीं है, जो टॉप क्लास कॉलेज है उन्हें नेगोशिएशन करने की क्या जरूरत है, फिर से समझिए। अनलेस अनटिल आपने फीस से खामखा बढ़ा रखी है, जैसे ही कर्नाटका के कुछ अच्छे कॉलेज, तो उसमें वो मेरा फ़ोन भी डायरेक्टली उठा लेते हैं, क्योंकि कभी मैंने उनकी बुराइयाँ की नहीं, वो बुराई करना बनता भी नहीं है। जिनकी बुराई करना बनता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन जो दुनिया है ना, जो 95% लोग हैं वो बुराई नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। तो फिलीपींस में दिक्कत हो गई तो फिलीपींस और एजेंट की प्रॉब्लम, कनाडा में दिक्कत हो गई तो एजेंट और कनाडा सरकार की प्रॉब्लम, यूक्रेन में दिक्कत हो गई तो यूक्रेन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम और भारत सरकार की प्रॉब्लम, श्री गुरु राम राय में दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम जी, हमें तो ध्यान नहीं जी, हमने तो ध्यान से देखा नहीं था जी, हम तो कहीं साइन नहीं किए थे जी। बट चूँकि हम इस काम को 10 साल से कर रहे हैं, मुझे पता है हर बार गुरु राम राय बोलता था, उसके ब्रोशर में लिखा होता था कि माई फीस इज सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर, इट कैन इंक्रीज एनी टाइम, ये हमेशा लिखता था, जो 2023 में नहीं लिखा हुआ, 2022 से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अब उसका फैसला हो चुका है, करेक्ट। तो ये आपके लिए है, क्योंकि भी राउंड टू जिसे बोलते हैं ना शुरू हो रहा है, अभी तो कई जगह राउंड वन ही चल रहा है, कर्नाटका में, एपी में, तेलंगाना में, बिहार की चॉइस फिलिंग में ही डिले हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन मोटा मोटी राउंड वन ख़त्म हो रहा है। अब मैं हमेशा कहता हूँ अब आ गया है सही डिसीजंस लेने का, क्योंकि राउंड वन तो यूपी के अलावा फ्री एग्जिट था, आप लोग खेल सकते थे, देख लिया आपने, और मैं आपको तसल्ली देता हूँ बहुत कट ऑफ नीचे गिरेंगी राउंड वन, चूँकि फ्री एग्जिट होता है तो बहुत लोग टाइम पास के लिए चॉइस फिलिंग कर देते हैं, जब उनकी सीट लेने का उनका मकसद नहीं होता, खासकर वहाँ जहाँ डिपॉजिट भी नहीं जाता है, चाहे रिफंडेबल हो। तो हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, एपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, जहाँ पर ये दो तीन 5,000 रुपये लिए जाते हैं, वहाँ बहुत से फालतू लोग फॉर्म भर के चॉइस फिलिंग कर देते हैं और सीटों को बहुत ख़राब करते हैं राउंड वन में। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, अच्छे से अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ढूंढिए, चुनिए, चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, और मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिक्स हमेशा वही रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। हमारी हेल्प चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, 9643362320। पर मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो बच्चों के लिए हूँ, तो भाई अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी? तो आपकी फ़ीस से ही हमारी कंपनी चलती है, हमें कोई कॉलेज कमीशन नहीं देता, या यूट्यूब के व्यू से 1,000 व्यू पे आपको शायद नहीं पता होगा 15 रुपये मिलते हैं यूट्यूब से, 15 रुपये, तो उसके लिए तो 15 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया है, तो 15 रुपये कमाने के लिए तो हम ऐड नहीं चलाते, ऐड चलाने का एक और पर्पस होता है, वरना यूट्यूब दिक्कत करता है अपलोड करने में ही। तो बेसिक पर्पस हमारी कंपनी भी आप ही की फ़ीस से चलती है, और इसलिए हमें बात करने के लिए भी आपसे फ़ीस लेते हैं, कई लोग बुरा मान जाते हैं। आप यही समझ लीजिए जो आपसे बात फ्री में कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो कमाएगा ना, तो या तो आपको उस कॉलेज में भेजेगा एज ए चॉइस में जो आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए, या किसी और तरीके से करेगा, कुछ तो करेगा ही। कंपनी, अपना परिवार तो सभी को चलाना है। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, नमस्कार। 9643362320 पे कॉल कीजिए, 2,500 रुपये पहली कॉल मीटिंग का, 5,000 रुपये अगर आप मिल के आना चाहें, और ये फर्स्ट मीटिंग का चार्जेस है, मैं बार बार समझाता हूँ। फाइनल पैकेजेस वेरी फ्रॉम 25,000 to 1,00,000, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कोर, एक्सपेक्टेशन एंड दी हार्ड वर्क दैट वी आर सपोज टू डू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।